मिर्जापुर से चलकर प्रयागराज पहुंची गंगा यात्रा। गंगा यात्रा में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मां मेला में संतों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी सीएम की जनसभा। मांग मेले में संतों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद। यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में मुख्यमंत्री की जनसभा होगी। मिर्जापुर से चलकर प्रयागराज पहुंची है गंगा यात्रा। इस गंगा यात्रा का समापन कानपुर में 31 तारीख को होगा। गंगा यात्रा में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मांग मेले में संतों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी। मुख्यमंत्री योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में मुख्यमंत्री की एक जनसभा भी होगी। सोएब रिजवी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी पर उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सोएब, जो जनसभा होनी है, जाहिर सी बात है कल ये होगी, कार्यक्रम बताइएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बिल्कुल, मुख्यमंत्री प्रयागराज में पिछले करीब 2 से 3 प्रयागराज पहुंच चुके हैं। उनका जो मुख्य कार्यक्रम है वो गंगा यात्रा का था। हालांकि इस बीच में उन्होंने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करते हुए माघ मेला क्षेत्र में पहुंच चुके थे और उन्होंने कुछ सारी संतों से मुलाकात भी की है और करीब 1 घंटे से ज्यादा समय माघ मेला क्षेत्र में उन्होंने बिताया है। उसके बाद अभी जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त मुख्यमंत्री सभा स्थल यानी नैनी के जो सभा स्थल है गंगा यात्रा के लिए बनाएगी, तो वहां पर पहुंच चुके हैं और अब बिल्कुल इस सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच में उन्होंने निश्चित तौर पर माघ मेला क्षेत्र का काफी देर तक भ्रमण किया है और यहाँ से जाने के बाद जो हमारी जानकारी है गंगा आरती में भी शामिल होंगे, तो कह सकते हैं कि काफी लंबा कार्यक्रम है उनका। करीब 9 बजे तक वो इसी तरह के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फिलहाल वक्त जी, स्वयं एक और जानकारी दीजिएगा जल्दी से। गंगा यात्रा प्रयागराज पहुंची है और प्रयागराज पड़ाव बना है, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है? बिल्कुल, अगर गंगा यात्रा की बात करें तो जगह जगह पर उनके स्वागत द्वार बनाए गए थे। काफी लंबी यात्रा की, क्योंकि मिर्जापुर से मार्ग से होती हुई प्रयागराज के लिए यात्रा होते हुए संगम तक पहुंच चुकी है, यानी थोड़ी दूर पर नैनी है, वहां पर सभा स्थल पर पहुंच चुकी है और यहां से कौशाम्बी के मार्ग से कानपुर जाएगी, यानी 31 तारीख तक इसे कानपुर पहुंचना है। फिलहाल जो है वो यहां पर पहुंची और थोड़ी देर बाद ये कौशाम्बी के लिए निकलेगी, लेकिन इस बीच में वो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है और जो कार्यक्रम है वो ज्यादातर प्रयागराज में ही हो रहे हैं और इसके बाद ये कौशाम्बी की तरफ रवाना होगी। नजर बनाए रखिएगा शोएब, फिर आएंगे आपके पास हम जानकारी के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर ये, मिर्जापुर से चलकर प्रयागराज पहुंची है गंगा यात्रा। गंगा यात्रा में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मांग मेले में संतों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी और ये उनका कार्यक्रम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी सीएम की जनसभा।